इरोडो का एसी सर्किट का 4.118 नंबर का प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये आपको एसी सर्किट को अच्छे से क्लियर कर देगा कि एसी सर्किट है क्या, ये कुछ भी लिखा जाता है एसी सर्किट के अंदर वो कैसे आ रहा है, एक एक चीज को सही से क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। तो 4.18 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्वायर विद द एक्टिव रेजिस्टेंस आर, एक्टिव रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल वॉज कनेक्टेड एट द टी बराबर जीरो टू द सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इक्वल्स टू वीएम कॉस ओमेगा टी, फाइंड द करेंट इन क्वायर एज फंक्शन ऑफ टाइम। कह रहा है कि एक एलआर सर्किट है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, उसको एक एसी सोर्स वी इक्वल्स टू वीएम कॉस ओमेगा टी से टी बराबर जीरो पे हमने क्लोज किया। रिपीट कर रहा हूँ, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी बराबर जीरो पे क्लोज किया, हम इसे बोल नहीं सकते, टी बराबर जीरो पे क्लोज किया। तो बताइए इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट का फंक्शन टाइम के साथ क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे इसका सॉल्व करें। चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेजर बना लेते हैं और जो बेसिक हम लोग एसी सर्किट में जो सॉल्व करवाते हैं, चलिए थोड़ा उस पर बात करते हैं। अगर आप कहें कि रेजिस्टेंस को आप हॉरिजॉन्टल दिखा दीजिए करंट को रिफरेंस मानते हुए, इंडक्टेंस एक्सएल को आप ऊपर दिखा सकते हैं जो कि ओमेगा एल के बराबर आएगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा ये इसका एम्पिडेंस बनेगा। रिजल्टेंट इज एम्पिडेंस, एम्पिडेंस इज जेड एंड जेड इज व्हाट, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड दिस एंगल इज पावर फैक्टर एंगल एंड व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल, टेन फाइ इज इक्वल्स टू ओमेगा एल अपान आर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, कॉस फाइ इज व्हाट, पावर फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, बस इतना रह दीजिए, कॉस फाइ तो मैंने निकाल लिया, ओमेगा एल अपान आर। अच्छा, क्या इंडक्टेंस जीरो है, नहीं। क्या रेजिस्टेंस जीरो है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ओमेगा एल अपान आर जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या टेन फाइव जीरो आएगा, नहीं। तो क्या फाइव जीरो है, बिल्कुल नहीं। दिस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90, आप देख भी रहे हो डायग्राम में, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से दोबारा, फाइव जो है इस डायग्राम को सही से समझें तो जो फाइव है वो कितने से कम है, पाई बाई टू से, और कितने से ज़्यादा है, जीरो से, भूल नहीं सकते। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बिफोर प्रोवाइड एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आराम से निकल नहीं सकते हम ना, इसलिए हमने आपको बताया कि फाइव की जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगा, और एक ये टर्म्स हम भूल नहीं सकते हैं अब, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगी जो भी हमारे इक्वेशंस बनेंगे। इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर देने से दे दिया और दिमाग के अंदर बाउंड्री कंडीशन ही हट गई। सेटिस्फाई करेंगे कि व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशंस। गुड, टी बराबर जीरो पहला सर्किट क्लोज किया गया और फाइव पावर फैक्टर एंगल इज लेस देन पाई बाई टू एंड ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो जेड का डायरेक्शन होता है, इधर हम लोग नेट वोल्टेज लाइन मानते हैं एसी सोर्स में, इधर हम लोग करंट लाइन मानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज लाइन है, इसको बोलते हैं करंट लाइन, ये करंट की लाइन है, ये करंट की लाइन है और ये क्या है, वोल्टेज लाइन है। लिख लिया, गुड। तो वोल्टेज का तो फंक्शन भी हम कॉस ओमेगा टी है, तो जो करंट का फंक्शन बनना चाहिए अगर एसी की बात करें तो आई बार क्या बनेगा, पीक करंट आई नॉट इनटू वोल्टेज लाइन का फंक्शन में पता है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कॉस ओमेगा टी, और करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है वोल्टेज से, वोल्टेज लाइन से करंट कितना एंगल पीछे चल रहा है, फाइव एंगल पीछे चल रहा है। अरे देख लो भाई, हॉरिजॉन्टल वाला करंट लाइन, ये वाला वोल्टेज लाइन है, तो करंट वाला तो फाइव एंगल पीछे जा रहा है, तब फाइव क्या करेंगे, घटा देंगे। नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ करंट,
दिस इज करेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम. अब चलिए आई नॉट कितना होगा, आई नॉट तो वही है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड डिवाइड बाय सर्किट का इम्पीडेंस कितना है, जेड है जेड. तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इट इज आई नॉट. ये तो करेंट आ गया, आई नॉट तो मिल गया क्योंकि वी नॉट आपको पता है वी नॉट इज वी एम, वी नॉट इज वी एम. तो आपको वी एम पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको इंडक्टेंस पता है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, प्लेस करके आई नॉट पता कर लेंगे. आई नॉट पता चल गया, ओमेगा दिया ही गया है पता चल गया, टी फाइव फाइव आपको पता ही है इस फंक्शन से. थोड़ा सर्टिफाई करते हैं अगर ये आंसर है, अगर ये आंसर है तो ये बाउंड्री कंडीशन को भी जस्टिफाई करेंगे. रखते हैं, अगर इस फंक्शन में रख दूं टी की जगह पे जीरो तो करेंट आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए. क्योंकि जैसे ही क्लोज करेंगे इस इंडक्टर में करेंट अचानक से ग्रो कर ही नहीं सकता, एब्रप्टली ग्रो नहीं कर सकता. जैसे क्लोज करने से पहले इस इंडक्टर का फ्लक्स जीरो था क्योंकि करंट जीरो था, जैसे क्लोज किया इंडक्टेंस वही रह गया तो फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए करंट को जीरो होना पड़ेगा या जस्ट डीआई के बराबर होना पड़ेगा. मतलब स्विच क्लोज करने के पहले करंट जीरो है तब स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद करंट डीआई होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली जीरो होना चाहिए. यानी स्विच क्लोज करने के बाद भी इस सर्किट का करंट जीरो होना चाहिए जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज. रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर सेटिस्फाई करते हैं. टी के जगह पे जीरो प्लेस करें तो फंक्शन में करंट जीरो आना चाहिए. जरा जीरो प्लेस करना तो जीरो प्लेस कर दिया, आई नॉट बन गया यहाँ पे, ये आ गया कॉस माइनस फाइव एंड कॉस ऑफ माइनस फाइव इज कॉस ऑफ फाइव, गुड फाइव. यहाँ से तो आ गया जीरो बराबर कॉस फाइव, अच्छा तो कॉस फाइव जीरो आ गया. ये पता है क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है फाइव पाई बाई टू आ गया. अच्छा फाइव इज फाइव बाई टू, बट यहां तो देखिए टेन फाइव क्या है, ओमेगा एल अपान आर आया है. अभी हमने प्रूफ किया है तो ये होल्ड हो रहा है, ये तो ये आ गया. मतलब देयर इज मिस्टेक, यहां गलती है. क्वेश्चन है कि गलती कौन सी है, गलती तो यही है कि टी, अब ये जो फंक्शन के अंदर गलती है क्योंकि जो आपने आंसर किया है वो इस बाउंड्री कंडीशन को तो जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है. आयरोडो का आंसर भी उठाकर देखिए, अभी बताएगा आयरोडो का आंसर क्या गलत है, कब बात नहीं. इसका मतलब जो आपने फंक्शन लाया है वो फंक्शन गलत है, गलत है इसका मतलब कि आपने जो सोल्यूशन लिखा है उसमें एरर है. तो चलिए पता करते हैं वो एरर क्या है. तो हमने इसको हटाया, कहा कि कोई बात नहीं हम लोग अब सही से समझेंगे और फिर बताएंगे कि क्या एरर हो रहा है और ऐसा क्या चीज़ है कि उस चीज़ से डेविएशन डेवलप कर रहा है और क्या एसी सर्किट के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, क्या लिख रहे होते हैं, अब यहाँ से समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे. तो देखिए किसी टाइम पे अगर आपने इसमें करंट आई मान लिया तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा हर स्टैंड पे सेम रहेगा. अब हम लोग प्रॉपर सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वो एसी सोर्स का है. तो किसी टाइम टी पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है वी एम कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है वी एम कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल. तो क्या लिखेंगे आप, आई इन टू आर प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी लिख लिया. अब मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसको थोड़ा सा ना मैथ का दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. तो जब आप पूछेंगे ना मैथ वाले फैकल्टी से कि सर थोड़ा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन बताइए,
इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल सॉल्यूशन बनता है वो इस फंक्शन को गवर्न करता है, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यही वाला फाइव है फेजर के हेल्प से, जो फाइव फेज एंगल में करंट पीछे जा रहा है ना वोल्टेज से, यही बनेगा करंट का फंक्शन आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये टर्म्स एसी सर्किट से ही आ रहा, डायरेक्ट आ रहा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, एन प्लस आई वन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। तो ये इस पूरे फंक्शन में अगर आप आई की जगह पे इस फंक्शन को प्लेस कर दें तो आप पाएंगे कि पूरा इक्वेशंस सेटिस्फाई करें। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस फंक्शन का एक सोल्यूशन ये इक्वेशन भी है, इसी को तो सॉल्व करना है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्व करना है और मैंने एक फंक्शन जनरेट किया कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन एंड इट इज होल्ड एट ऑल टाइम। इस फंक्शन का सोल्यूशन ये हर टाइम पे होल्ड करेगा, चाहे टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, हमेशा होल्ड करेगा। अब हमारे पास टारगेट क्या है, हमारे पास टारगेट है आई नॉट निकालना, फाई निकालना क्योंकि ओमेगा तो आपको पता ही है सोर्स से, आई वन निकालना और टावेल निकालना, प्लेस कर देंगे आंसर अच्छा। अच्छा आई नॉट जो है, जो आई नॉट आएगा, आई नॉट दिस इज पीक करेंट ऑफ एसी सर्किट्स, आप इसको लिखेंगे पीक वोल्टेज वी एम डिवाइड बाई एम्पिडेंस, इस सर्किट का एम्पिडेंस जेड है जो कि इसके बराबर है, तो रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मिल गया आई नॉट। फाइव फाइव आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टेन फाइव इज इक्वल टू ओमेगा एल अपन आर आप निकाल चुके हैं। तो देखिए आपने फाइव को कैलकुलेट कर लिया, आपने आई नॉट को कैलकुलेट कर लिया, बस क्या आई वन निकालना टावेल निकालना। अच्छा टावेल इज ए टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट और इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है ये डीसी की तरह से है टाइम कांस्टेंट, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आएगा एल अपन आर। भाई बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसके बाद एल को ओपन सर्किट किया, आर इक्विवेलेंट आर है और एल इक्विवेलेंट एल है तो एल अपन आर, तो टाइम कांस्टेंट आपने निकाल लिया। तो इस सर्किट में आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने फाई कैलकुलेट कर लिया, आपने पीक करंट कैलकुलेट कर लिया, आपने टावेल कैलकुलेट कर लिया, आई वन निकालना बाकी है। तो आई वन निकालने के लिए ही हम अब बाउंड्री कंडीशन का हेल्प लेंगे क्योंकि ये तो हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, टी की जगह पे जीरो प्लेस करेंगे, इस पूरे फंक्शन में टी की जगह पे जीरो प्लेस करेंगे। तो करंट आई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। करंट आई कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उठा के प्लेस कर दीजिए। जैसे प्लेस करेंगे तो बन जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड कॉस ऑफ फाइव, क्योंकि टी के जब जीरो प्लेस करें तो कॉस ऑफ माइनस फाइव इज कॉस ऑफ फाइव, प्लस क्या बनेगा आई वन, क्यों टी के जब जीरो प्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो आई वन हो जाएगी। इससे आपको आई वन की वैल्यू क्या मिल गई, आई वन की वैल्यू आपको मिल गई माइनस आई नॉट कॉस फाइव। आप क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यूज को उठा के इस फंक्शन में रख दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, आई वन की जगह पे लिखेंगे ये वैल्यू तो माइनस आई नॉट कॉस फाइव इन टू ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। अब यहाँ से आई बराबर आप क्या लिखेंगे, देखिए सही से तो इसमें से आई नॉट कॉमन निकल रहा है, तो आई नॉट कॉमन निकल रहा है, ये बनेगा ब्रैकेट में कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव इंटू ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, और ये फंक्शन बन गया आपका। अब सारी वैल्यू प्लेस करते हैं इसमें, तो इसको ऐसे करते हैं और इसमें हम सारे वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करते हैं इसके जगह पे, आप ऐसे कर लीजिए इसको। और अब मैं फंक्शन में एक एक वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूँ, बड़ा सा फंक्शन बना के आई इज इक्वल्स टू
I naught. I naught is what? This one. Vm root over r square plus omega square l square bracket में I naught की जगह पे Vm upon this bracket में cos omega t minus phi, तो cos omega t minus phi minus cos phi and e to the power minus t upon tau l की जगह पे l upon r, तो क्या बनेगा minus r t upon l minus r t upon l. तो ये बन गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और ये सर्टिफाई करेगा बाउंड्रीज कंडीशंस को. t बराबर जीरो पे करंट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि उसी से तो बाउंड्री कंडीशन से ही आया है. तो इस फंक्शन में t के पे जीरो प्लेस करेंगे तो करंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी. तो सर्टिफाई करेगा देख भी सकते हैं t के पे जीरो प्लेस करिए तो वैल्यू वन हो गई. तो ये माइनस कॉस फाई और टी बराबर जीरो पे कॉस माइनस फाई इज कॉस फाई, कॉस फाई माइनस कॉस फाई जीरो. तो दिस फंक्शन इज सेटिस्फाइंग बाउंडिंग कंडीशंस इनिशियल टाइम्स एंड हेंस दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही सॉल्यूशन है तो क्यों हम लोग एसी सर्किट को जब सॉल्व करते हैं तो इसको नहीं दिखाते एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को, क्यों नहीं दिखाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड में यूज कर रहा हूं, क्यों इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटा देते हैं? तो एक्चुअल में आपको रिपीट कर दूं, जो भी हम लोग एसी सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं वो आफ्टर स्टडी स्टेट रीच करने के बाद सॉल्व कर रहे होते हैं. हम ये नहीं कहते हैं कि t बराबर जीरो पे इसको क्लोज किया, t बराबर जीरो पे क्या किया क्लोज किया उसके बाद सॉल्व करना सिखाया ना, ऐसा नहीं करते हैं. ये पहले से ही क्लोज होता है, ये पहले किसी स्टैंडर्ड बुक में लगाएंगे ना तो देखेंगे कि पहले से ही क्लोज होता है. तब कहता है कि फाइंड द करंट इन सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम. अगर ये पहले से ही क्लोज है इसका मतलब इस सर्किट में स्टेडी स्टेट पहले से आ चुका है, मतलब एक लंबे टाइम बाद आप इसको स्टडी करते हैं. रिप्रेजेंट कर रहा हूं लंबे टाइम बाद, रिपीट कर रहा हूं लंबे टाइम बाद, क्या लंबे टाइम बाद. तो लंबे टाइम बाद जब स्टडी कर रहे होते हैं तो एक लॉन्ग टाइम बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा वो जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब टी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, टी इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा जीरो. बट ये जीरो नहीं होगा, ये तो कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का फंक्शन थोड़ी कहेंगे कॉस ओमेगा टी, ये तो टी इन्फिनिटी अप्रोच कर गया तो कॉस ओमेगा टी जीरो हो गया, ऐसा कैसे होता है? तो पीरियोडिक फंक्शन है इन्फिनिटी टाइम के बाद स्टडी स्टेट एक लंबे टाइम बाद भी तो बहुत सारे पीरियड आएंगे, इसको कैसे जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बट इसको जीरो जरूर कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पीरियडिक कहाँ है? ओके, तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, After long time, e to the power minus rt upon l approaches zero. अगर ये zero approach कर गया तो i का function क्या हो गया? Vm under root of r square plus omega square l square into cos of omega t minus phi. और ये i naught की तरह से deal करेगा तो i बराबर क्या आ गया? I naught cos omega t minus phi. तो यही हम शुरू में बता रहे थे आपको ना कि देखो ये जो है, ये जो है ये आंसर है बट ये होल्ड नहीं करेगा. यही हम लोग एसी सोर्स एसी सर्किट के अंदर सॉल्व करते हुए लिख देते हैं. तो हम लोग एसी सर्किट की स्टडी जो कर रहे होते हैं वो लॉन्ग टाइम बाद कर रहे होते हैं. ये नहीं कि स्विच क्लोज किया तुरंत का, आगे बताओ स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद जो करंट आता है उसमें करंट का फंक्शन टाइम के साथ क्या होता है, हम कहते हैं कि नहीं ये होता है, तो गलत है. तो जो भी हम लोग एसी सोर्स की स्टडी कर रहे होते हैं एक लॉन्ग टाइम बात कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इस क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि टी बराबर जीरो पे क्लोज करने के बाद फंक्शन में एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आ जाता है और एक लंबे टाइम बाद एक्सपोनेंशियल का पार्ट हट जाता है. तो हमारा प्रॉपर एसी वाले मेथड से सॉल्व जिसे करते हैं वैसे आंसर आ जाता है और हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. ओके, थैंक यू.